हेलो दोस्तों हम लोगों ने पूरा क्वांटम नंबर ख़त्म कर लिया है एक्चुअली क्वांटम नंबर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले सेल होता है फिर सेल के अंदर सबसेल था फिर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल था और फिर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन था तो इसीलिए चार क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी थी हम लोगों को अब हम लोग देखेंगे जैसे ये मान लीजिए किसी सेल का पी सबसेल है और ये पी सबसेल का एक ऑर्बिटल है किसी भी सबसेल में जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज किया हुआ है जैसी ऑर्बिटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसके लिए कुछ रूल है उसी रूल्स को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उस इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं आज हम लोग उन्हीं रूल्स को पढ़ने वाले हैं तो उसमें पहला जो रूल दिया गया वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दूसरा है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसी में स्पिन मल्टीप्लीसिटी भी पढ़ेंगे और हमारा तीसरा रूल है ऑफ वाउ प्रिंसिपल तो ये तीनों रूल हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के रिगार्डिंग तो चलिए हम लोग पहला रूल स्टार्ट करते हैं पहला रूल है हमारा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये रूल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स इसको आप समझिएगा जैसे यहाँ पे हीलियम का एग्जांपल है तो हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट सेल में होंगे अच्छा फर्स्ट सेल में केवल एक ही सब सेल होता है एस और एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल भी होता है तो ये हमारा एस सब सेल का ऑर्बिटल हो गया तो हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में हम लोग दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में रखाएगा तो आप एक बात बताइए इस ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसका वैल्यू वन हो गया तो इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसी में रखाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू तो वन हो गया अब उसी तरह से ये एस सेल का ऑर्बिटल है तो एस सब सेल के लिए मुथल नंबर का वैल्यू जीरो हो गया यहाँ पे हीलियम का जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में आएगा और अगर सेम ऑर्बिटल में आ रहा है तो इसीलिए एम का वैल्यू भी जीरो होगा यहाँ पे देखिए एल का जो वैल्यू देखे। जीरो देखे देखे दे है ना वो एस सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम का जो वैल्यू है वो इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको आप ऐसे समझिए जैसे मैंने आपको क्वांटम नंबर में पढ़ाया था कि पी में तीन ऑर्बिटल होता है तो ये पी सब सेल है तो इसके लिए एल का वैल्यू वन होगा लेकिन यहाँ पे तीन अलग अलग ऑर्बिटल के लिए एम का तीन अलग अलग वैल्यू होगा तो, यहां तो एक ही है जिसमें ये क्वांटम तो नंबर तो जो है ना ये इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होना चाहिए एक के लिए प्लस हाफ और दूसरे के लिए माइनस हाफ होना चाहिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर यहां पे देखिए तीन क्वांटम नंबर के लिए सेम वैल्यू हो गया था लेकिन चौथे क्वांटम नंबर के लिए डिफरेंट वैल्यू होगा एक का स्पिन प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ तो ये आपको समझ में आया होगा बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन जो है ना वो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन नहीं हो सकता जैसे यहाँ देखिए, अगर सेम स्पिन होगा तो ये गलत है तो किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन नहीं हो सकता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट स्पिन रखना होगा तो ये जो पॉली एक्सक्लूजन है उसका कंक्लूजन ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दोनों का डिफरेंट स्पिन होगा और एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग अभी देखते हैं आगे तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ऑर्बिटल एकोमोडेट्स टू इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे अगर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में है तो वहां पे पॉलिस के एक्सक्लूजन का वायोलेशन हो रहा है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे विथ अपोजिट स्पिन दोनों का स्पिन जो है वो उल्टा होगा और दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर फिर डिफरेंट हो जाएगा एक का प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ दीज टू हैव सेम वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये अभी हम लोगों ने हीलियम वाले एग्जाम्पल में देखा था कि उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम था एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम था और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का भी वैल्यू सेम था लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर उसका वैल्यू डिफरेंट था यहां पे देखिए ये जो है ये पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें दोनों में सेम स्पिन है जो कि अपवाड एरो से दिखाया गया यहां भी पॉली का एक्सक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है लेकिन यहां पे देखिए एक का स्पिन अपवाड है एक का स्पिन डाउनवर्ड मतलब एक क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज को तो ये जो है ये पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहा है तो ये हमारा सही होगा तो आपको पॉली एक्सक्लूजन समझ में आ गया होगा अब हम लोग हंस रूल भी पढ़ लेंगे उसके बाद इन दोनों के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगा तो अब चलिए हम लोग थोड़ा हंस रूल समझ लेते हैं तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि हन्स रूल अप्लाई कब करेंगे हंस रूल अप्लीकेबल कहाँ है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हन्स रूल कहता क्या है तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं हंस रूल कब अपलीकेबल है दिस रूल डील्स विथ द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तीनों रूल तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है ही उसके आगे देखिए इन टू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सब सेल ये इंपॉर्टेंट है डेट इज ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल इनर्जी कॉल्ड डी जेनरेट ऑर्बिटल वैसे ऑर्बिटल जो सेम सब सेल के ऑर्बिटल हैं या उन्ही को हम लोग कहते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल क्योंकि उनका इनर्जी इक्वल है जैसे देखिए हमारा पी सब सेल का ये तीन ऑर्बिटल है तो ये तीनों ऑर्बिटल का सेम एनर्जी होगा इसीलिए इनको डी जनरेट ऑर्बिटल बोल देते हैं जैसे ये डी सबसेल का ऑर्बिटल है तो ये पांचों ऑर्बिटल का सेम एनर्जी होगा इसीलिए इनको डी जेनरेट ऑर्बिटल बोल देते हैं तो जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना होगा या यूं कहें सेम सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरना होगा या यूं कहें डी जेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना होगा तब वहां हन्स रूल अप्लीकेबल होता है अब रूल कहता क्या है ये देखते हैं हम लोग हंडस रूल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विथ पैरल स्पिन अब ये जो हमारा सबसेल है ना इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे की हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयड इलेक्ट्रॉन मिले मतलब

पैरेलल स्पिन होना चाहिए तो जैसे ये देखिए हमारे पास डी सेल है इसमें पांच इलेक्ट्रॉन अगर आपको फिल करना है तो एक तरीका ये भी हो सकता है फिल करने का दो दो चार एक पाँच और एक तरीका है कि आप सबको ऐसे फिल करें पाँच तो ये तरीका सही है क्योंकि इसमें देखिए पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसमें केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और इसमें देखिए सबका स्पिन भी पैरेलल है ऐसा नहीं कि तीन इलेक्ट्रॉन सीधा भरा और फिर एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का भर दिया फिर एक सीधा भर ऐसे नहीं सबका स्पिन पैरल होना चाहिए तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए रूल है पॉलिज एक्सक्लूजन और हुस रूल ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा अब इन दोनों रूल के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे तब ये और क्लियरिटी से आपको समझ आएगा पहला क्वेश्चन देखिए फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हु तो यहाँ पे हुस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो आप इसमें पॉली के एक्सक्लूजन को अप्लाई नहीं करेंगे केवल हु के अकॉर्डिंग बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है तो हुस क्या कहता है ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो भी पैरल स्पिन के साथ तो इसमें देखिए छह इलेक्ट्रॉन है क्योंकि तो यहाँ पे पांच ऑर्बिटल थे तो पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख दिया फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट किया तो ये हुस के अकॉर्डिंग सही है वहीं पे ये देखिए तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन यहाँ पे देखिए सारे इलेक्ट्रॉन का पैरेलल स्पिन नहीं है एक ये जो है ये यहाँ पे गलत भरा गया है इसको पैरेलल स्पिन में भरना था तो ये हुंड्स के अकॉर्डिंग गलत हो गया अब यहाँ पे देखिए पहले सिंगल सिंगल भर लेना था यहाँ पे देखिए पांच इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आना चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहिए था तो ये सही होता तो ये भी गलत हो गया तो इस तरह से हमारा ए आंसर हो गया ये हुंड के अकॉर्डिंग सही है लेकिन ये पॉली के अकॉर्डिंग गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में सेम ऑर्बिटल में रखा हुआ है लेकिन पॉली के अकॉर्डिंग तो हमको पूछ ही नहीं रहा हमको तो केवल हुंड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हुंड के अकॉर्डिंग सब कुछ सही है पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरा भर दिया गया फिर पेयरिंग किया गया और सबका पैरल स्पिन भी है तो ये आपको समझ आ गया होगा अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होना चाहिए दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले होना चाहिए तो यहाँ देखिए पेयरिंग है अपोजिट स्पिन के साथ है तो पौली के अकॉर्डिंग ये सही है हुंड के अकॉर्डिंग भले ही गलत है लेकिन हुंड के अकॉर्डिंग हमको पूछ नहीं रहा पूछ रहा है पोली के अकॉर्डिंग तो ये सही है हमारा ये देखिए यहाँ भी अपोजिट स्पिन का है तो ये भी सही है हुंड के अकॉर्डिंग ये भी गलत है क्योंकि सबका पैरल स्पिन नहीं है लेकिन हमें केवल पॉली के अकॉर्डिंग देखना है तो ये भी सही है यहाँ भी देखिए जहाँ पेयरिंग किया है तो अपोजिट स्पिन से किया है तो ये भी सही है तो यहाँ पे सारा सही है ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा पॉली के अकॉर्डिंग अब अगला क्वेश्चन है हमारा हुई ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज करेक्ट यहाँ पे किसी का नाम नहीं मैंशन किया है वो हुंड के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा वो पॉली के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है वो सीधा पूछ रहा है कि कौन सा कन्फ्यूशन सही है तो यहाँ पे हम लोग हुंड और पॉली दोनों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चलिए देखते हैं ये जो है वो हुंड के अकॉर्डिंग गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए चार इलेक्ट्रॉन है तो पहले हमको चारों इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड वे में भरना था तो ये अब हुंड के अकॉर्डिंग सही हुआ पॉली के अकॉर्डिंग ये पहले से भी सही है लेकिन यहाँ पे दोनों के अकॉर्डिंग देखना है क्योंकि किसी का नाम मेंशन नहीं किया है तो ये गलत हो गया ये देखिए पॉली के अकॉर्डिंग गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ है तो ये भी गलत हो गया किसके अकॉर्डिंग पॉली के अकॉर्डिंग ये देखिए ये कन्फिग्रेशन जो है ये सही है ये हुंड के अकॉर्डिंग भी सही है और पॉली के अकॉर्डिंग भी क्योंकि हुंड क्या कहता है कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड ही है कोई पेयर्ड नहीं है और पौली क्या कहता है कि सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं होने चाहिए तो यहाँ पे पेयरिंग ही नहीं हुआ तो सेम स्पिन देखने की जरूरत ही नहीं है अब कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि यहाँ पे ये यह इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरना चाहिए और फिर ये यह इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना चाहिए यहाँ पे गैप छोड़ के भरा है तो ये गलत हो गया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ये जो पांच ऑर्बिटल हैं ये पांचों ऑर्बिटल डिजेनरेट हैं इनका एनर्जी सेम है तो आप इसमें भरिए या पहले इसमें भरिए या लास्ट से ही स्टार्ट कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है बस इतना ध्यान रहे कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर लें पूरा फिर पेयरिंग करें और दूसरी बात जब पेयरिंग करें तो अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करें बस इतना आप ध्यान रखें और एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए ये भी ध्यान रखें तो ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा फिर से है हुच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज करेक्ट तो इसमें भी किसी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है हुंड या पोली का तो दोनों के अकॉर्डिंग देखना होगा तो ये देखिए हुंड के अकॉर्डिंग भी सही है और पोली के अकॉर्डिंग भी सही है ये देखिए ये भी सही है क्योंकि सारे अनपेयड इलेक्ट्रॉन है और सबों का पैरल स्पिन है तो हुंड के अकॉर्डिंग भी सही है और पेयरिंग अभी तक नहीं हुआ है तो पोली के अकॉर्डिंग भी सही है ये देखिए ये भी हुंड के अकॉर्डिंग भी सही है पोली के अकॉर्डिंग भी सही है अभी जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसी के अनुसार है कि दो इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम लोग कहीं भी भर सकते हैं यहां और यहां भी भर सकते थे तो भी ये सही था तो ये सही है और पेयरिंग किया नहीं तो पौली को देखने का जरूरत नहीं है तो इसमें सारा सही है तो इसका आंसर ऑल ऑफ हो जाएगा तो ये देखिए ये हमारा आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इसमें भी किसी का नाम नहीं है तो हुड और पौली दोनों के अनुसार देखेंगे यहाँ देखिए पहले सबको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया फिर पेयरिंग जब किया तो एक ही ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये पौली के एक्सक्लूजन का वायोलेशन है पोली कहता है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ होंगे यहाँ पे एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये पोली एक्सक्लूजन का वायलेशन है यहाँ पे देखिए हुंड का वायलेशन है क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखा मैक्सिमम वो तो सही है लेकिन पैरल स्पिन के साथ नहीं रखा ये देखिए उल्टा स्पिन में रख दिया ये सभी पैरल स्पिन के साथ होने चाहिए तो ये हुड का वायलेशन हो गया अब यहाँ पे देखिए ये सब कुछ सही है बस यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन पैरेलल स्पिन में रख दिया एक ही ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अपोजिट स्पिन में आएंगे लेकिन ये पैरेलल स्पिन में रख दिया तो ये फिर से पॉली का वायोलेशन हो गया यानी कि सारा रोंग है ये पौली के अकॉर्डिंग रोंग है ये हुंड के अकॉर्डिंग रोंग है ये फिर पॉली के अकॉर्डिंग रोंग है और हमको देखना था करेक्ट कौन सा है तो ऑल आर रोंग तो ये आपको समझ में आ गया होगा और सफिशियंट प्रैक्टिस भी हो गया होगा आप लोगों का तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रूल के साथ धन्यवाद